आज जो हमारे लिए अमेरिका का एजेंडा है, निसाब की तब्दीली का एजेंडा है, और मगरबी सोच, यूरोपीय यूनियन और यहूद और नसारा का जो एजेंडा है वो ये है कि हालांकि वो इस एजेंडे में भी मुनाफकत का शिकार है, उनके तजाद है हर काम के अंदर, लेकिन बज़ाहिर क्या है कि हर किसी से प्यार करो, हर किसी से मोहब्बत करो, हर किसी से उल्फत करो। तो हमारा दीन हमें हर किसी से प्यार की इजाज़त नहीं देता, हर किसी से मोहब्बत की इजाज़त नहीं देता, हर किसी के साथ हमारा दीन हमें उल्फत की इजाज़त नहीं देता। क्योंकि जैसे हमारे लिए खाने पीने की हदें बनी हुई है, ये हलाल है ये हराम है, ऐसे ही दोस्ती और दुश्मनी की भी हदें बनी हुई है कि ये दोस्ती हलाल है और ये हराम है। और यहां तक कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने तो फरमा दिया कि अल मरओ अला दीन खलील ही, कि दोस्ती दीन का नाम है। अल मरओ अला दीन खलील ही, कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब यहां लफ्ज दीन आम माने में है, जिस तरह लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, के इस्लाम को हर दीन पे गालिब करना। अब उस हर दीन में यहूद नसारा हिंदू सिख सारे इलामी गैर इलामी दीन सारे जो इस्लाम के अलावा है, तो उनको भी कुरान ने दीन ही कहा है लुगवी तौर पर। अगरचे आज हम उनको दीनदार उर्फन नहीं मानते, हम कहते हैं ये दीनदार हैं जिन्होंने दीनी हक को कबूल किया हुआ है, लेकिन लुगवी तौर पर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस पस मंजर में फरमाया कि दोस्ती जो है वो दीन का दूसरा नाम है। इंसान का तर्ज हयात, इंसान का तर्ज मुआशरत, इंसान का उसलूब जिंदगी, इसको लुगत में दीन कहा जाता है। तो फरमाया बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी दोस्त वाली हरकतों सकनात उसमें आ जाती है, दोस्त वाले नजरियात आ जाते हैं, दोस्त वाली आदतें आ जाती हैं, दोस्त वाले अखलाक आ जाते हैं। तो फिर फरमाया फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, तो दोस्ती से पहले देखो कि तुम किसको दोस्त बना रहे हो। अगर वो बुरा है तो तुम भी बुरे बनोगे, अगर वो नेक है तो तुम भी नेक बनोगे। तो दोस्ती में भी हुदूद है, जिस तरह खाने पीने में शराब को तुम हराम समझते हो और आमाल के लिहाज से खिंजीर को खाने के लिहाज से तुम हराम समझते हो। तो सरकार ने फरमाया ऐसे ही कुछ दोस्तों कुछ लोगों की दोस्ती को भी यूं समझो जैसे खिंजीर का गोश्त खाना है, ऐसे ही कुछ लोगों की दोस्ती को यूं समझो जैसे शराब नोशी करनी है। तो अपने दामन को अगर शराब नोशी और खिंजीर से पाक रखना जरूरी समझते हो और फराइज में समझते हो कि फर्ज है कि हम इनसे दूर रहें, हराम है कि हम इनके करीब जाएं, तो फिर दोस्ती के लिहाज से भी ये उसूल सामने रखो कि कुछ वो है कि जिनके साथ दोस्ती बनाते ही सब कुछ लुट जाएगा, और अल्लाह तबारक व ताला को ये पसंद नहीं है। इस वास्ते उसने तुम्हें इस्लाम देकर सारे कवायद और जवाबित अता कर दिए हैं ताकि उल्फत और अदावत, मोहब्बत और अदावत के लिहाज से भी तुम्हारे अंदर ये चीज़ें मौजूद रहें कि किस बुनियाद पर कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ आगे हराम एरिया शुरू हो जाता है, कि अगर वहाँ कदम रखा तो माज़ल्लाह वो कदम हो सकता है बज़ाहिर किसी बड़ी खूबसूरत यारी की क्यारी में हो, लेकिन हकीकत में वो जहन्नम के अंगारों में जा रहा होगा। क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ्फतिन नारु बिश्शहवात, जन्नत के इर्द गिर्द बाउंड्रीज हैं उन सारे कामों की जो तबीयत को मुश्किल लगते हैं, तबन इंसान के लिए उनमें जो है वो मुशक्कत होती है, तभी तो फिर सवाब मिलता है। तो जन्नत के इर्द गिर्द जो है बाउंड्री है नमाज की, रोजे की, हज की, जकात की, कहीं ठंडे पानी से वुजू, कहीं नींद छोड़ के सजदा, कहीं कमाई हुई अपने पैसों से कमाए हुओं से जकात, कहीं मुशक्कत जिहाद की, कहीं हज की, और ये सारी ये क्यारियां हैं जन्नत के इर्द गिर्द। इनसे गुजरोगे तो आगे जन्नत आ जाएगी।
اور ادھر حفت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد کہیں ہے شراب کی وادی، کہیں ہے زنا کی وادی، کہیں ہے حرام خوری کی وادی، کہیں ہے کرپشن اور لوٹ مار کی وادی، اور انسان سمجھتا ہے کہ جشن ہے، میلہ ہے، موج ہے، اور اگلا قدم پھر جہنم میں جا پڑتا ہے۔ تو اس واسطے دوستی اور دشمنی کے لحاظ سے بھی یہ چیز واضح کی گئی کہ جس کو آج ظاہری حیات میں کوئی سمجھے کہ بہت اچھا ہے، ہم ان کے پاس بیٹھے تو ان سے ہم نے اتنے مفادات حاصل کر لیے، تو الفت اور محبت کے لحاظ سے جب بھی کسی کا غیر مسلموں سے تعلق ہوتا جائے گا، اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سب سے پہلے غیرت ایمانی مٹے گی، اور پھر آہستہ آہستہ بالکل اس کا دل کا آئینہ سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا۔